Hello everyone, good morning you all. Welcome back to my YouTube channel Study with Arch Chahal. Today we will discuss about methods of expressing concentration. जिसमें हम फर्स्ट वन स्टडी करेंगे नॉर्मैलिटी, सेकंड विल बी मोलैरिटी एंड थर्ड वन विल बी मोलैलिटी. जो बाकी के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मैलिटी क्या होती है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. एक लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हैं, दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मैलिटी. इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से. ऑलराइट, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, तो नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट है दिस वन, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस या फिर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. ऑलराइट, जो ये बेसिसिटी है दैट विल बी इक्वल टू, जो हम बोलते कि बेसिसिटी हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है हमारी जो रिएक्शन होगी वो उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. राइट, जो बेसिसिटी के लिए जो हाइड्रोजन एटम होंगे रिप्लेसेबल उनकी नंबरिंग लिखनी है हमने. और जो एसिडिटी है उसमें हम लिखेंगे जैसे हाइड्रोक्सिल एटम होंगे उनके रिप्लेसेबल एटम कितने हैं, वो मतलब हाइड्रोक्सिल एटम वो वाली क्वांटिटी उनकी वहां पर हम नंबरिंग मेंशन करेंगे. ऑलराइट, इन दिस प्लेस, तो इसके थ्रू हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर पाएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है. और नेक्स्ट वन रहेगा हमारा मोलैरिटी. मोलैरिटी विल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में हमारा कितना नंबर ऑफ मोल्स, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज मोलैरिटी. इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से. और जिसका फॉर्मूला रहेगा वो सेम एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. And same that is called molality. It is number of moles of solute present in 1 kg of solvent. Means यहाँ पर आपने देखा था number of moles divided by volume of solution था, but यहाँ पर क्या होगा number of moles of solute जो कि 1 kg of solvent में रहेंगे. यहाँ पर volume था, यहाँ पर 1 kg mass आ जाएगा, तो denoted by m. एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी. अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मैलिटी को हम कैसे, मतलब जो एसिडिटी बेसिसिटी है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ. इसमें हम एसिडिटी और बेसिसिटी कैलकुलेट करके ये 4 ग्राम इक्विवेलेंट यूटेंसे की हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर. अब जैसे फॉर्मूला आपने देखा है कि बेस के लिए हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. ऑलराइट, अब बेस हम कोई फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 40 डिवाइडेड बाय, अब इसमें जो आपके ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे यूटेंसी या फिर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है दैट विल कितना रहेगा आपका 1 आ जाएगा इसमें NaOH में. राइट, हाइड्रोजन एटम इसमें एक रिप्लेसेबल है, तो इतना क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40. एंड जो एसिड के केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl का कैलकुलेट करते हैं तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट रहेगा आपका 36.5, एंड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी जो आपके हाइड्रोक्सिल एटम है वो विल बी मतलब जो रिप्लेसेबल है वो रहेंगे आपके 1. ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 36.5 ग्राम. ओके, और अगर मतलब 36.5 आ जाएगा आपका, बाकी ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है, जैसे एसिड का भी हो गया बेस का भी हो गया. अगर किसी को कुछ क्यूरी है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.